hi everyone, very good evening to all of you. i am pratibha singh and i welcome to all of you to our ssa 24-7. welcome to our channel. so, We hai, start our class start karte before we start, please hit the like button and uh, download our 24-7 app now so that you can get current affairs. <coughs> sorry. <coughs> sorry. Uh, excuse me. so, current affairs, daily quizzes, magazines, notes and arts, articles, job alerts, subject-wise quizzes, power capsule and many more things. okay, butch. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको डेली बताती हूँ कि आपको ऐप आप पे दो चीज़ें जो कि बेहद ख़ास हैं एक तो करंट अफेयर्स प्लस आपके डेली क्वेस ये आपको मिलेंगे ओके तो सब्सक्राइब करना है एंड ट्वेंटी फोर को जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है क्लास का वो मिल सके सो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्लाई द नेस्ट बताइए हमारा यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा अगर आपको आंसर दिखाई नहीं दे रहा है कोई ऑप्शन तो यस आई गेस अब आपको सारे जो वर्ड्स हैं वो क्लियर हैं फ्लाई द नेस्ट चिल्ड्रन रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड टू रन एट अ वेरी फास्ट पेस टू रीच होम टू लूज डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन चिल्ड्रंस लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन बताइए क्या होता है हमारा फ्लाई द नेस्ट यस एवरी वन ठीक ठाक सा क्वेश्चन है हम लोग इसको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये आपका बेकार है टेल yes, मी क्या आंसर हो जाएगा हाँ जी सो फ्लाई द नेस्ट का मतलब होता है फ्लाई द नेस्ट देखिए ध्यान से देखिए तो अब जैसे कि जब घोसले से जो चिड़िया होती है उसका बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो वर्ल्ड में दुनिया में इंट्रोड्यूस होता है एक तरह से तो जो बच्चे होते हैं वो अपना पेरेंट्स का घर छोड़ के लिव ऑन देयर ओन जब वो अपने आप सर्वाइव करते हैं अपने पैरों पे खड़े होते हैं उसको बोलते हैं फ्लाई द नेस्ट ओके पैरों पर अपने पैरों पर खड़ा होना ओके फ्लाई द नेस्ट आई होप कि आपको ये जो Idiom है ये क्लियर है द नेस्ट नेस्ट से उड़ना नेस्ट से बाहर निकलना घोसले से बाहर निकलना दुनिया में आना ओके चलिए नेक्स्ट हमारा आता है प्लेंटीफुल इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑफ गिवेन वर्ड मीगर एम्पल चार्मिंग ब्यूटिफुल बताइए क्या हो जाएगा प्लेंटीफुल तो इस वर्ड को मैंने भी आपको याद कराया कि जो हमारी प्लेट है खाने की प्लेट वो कैसी है वो हमारी फुल है प्लेट अगर फुल है तो यानी कि कैसी है ब्यूटीफुल नहीं होगी चार्मिंग नहीं होगी मीगर माने क्या होता है मीगर हमारा कहते हैं हाँ जी पारुल मीगर बोलते हैं कम को बोलते हैं तो एम्पल इज दी करेक्ट आंसर ओके कविता सो प्लेंटिफुल प्लेंटिफुल फुल आपका जो है इसका सिनेम एम्पल हो जाएगा यानी कि एम्पल प्रचुर मात्रा में होना दिस इज प्रचुर मात्रा में होना ओके okay? सो आंसर इज एम्पल रॉयल हमारा रॉयल का लोली माइनर किंगली पुअरली बताइए आंसर क्या हो जाएगा रॉयल का यस एवरीवान टेल मी रॉयल का हमारा यहाँ पर जो है सिर क्या हो जाएगा लोली माइनर किंगली पुअरली रॉयल क्या होता है हमारा रॉयल बेसिकली आपका जो है शाही शाही के लिए बोला जाता है ठीक है शाही हो गया है लो लो मतलब नीचे तो लोली आपका निम्न नीचे स्तर का हो गया है ओके okay? माइनर आपका जो है वो अठारह से कम उम्र के वर्ष को हम लोग नहीं माइनर तो आपका होता है सात वर्ष सात वर्ष के नीचे का फिर वो जुविनाइल में आ जाता है पुअरली आपका गरीब तो किंगली किंग से आपका जो है वर्ड कनेक्ट हो गया रॉयल का हमारा जो सनेम है वो क्या हो जाएगा किंगली इज दी करेक्ट आंसर ओके रॉयल शाही लोली नीच माइनर कम उम्र का किंगली आलीशान सो so, एंटोनियम बताना है फेक का फॉल्स वोगस जेन्युन आर्टिफिशियल बताइए क्या हो जाएगा हमारा फेक का जो है वो एंटोरिम फॉल्स बोगस जेन्युन आर्टिफिशियल यस एवरीवन हाँ जी तो so, देखिए फेक है कोई भी चीज फेक है यानी कि नॉट रियल जो कि आपकी वास्तविक नहीं है ठीक है सो so, फॉल्स मतलब एंटोनियम पूछा है एंटोनियम पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा जेन्युन इज द करेक्ट आंसर जो कि हमारा कैसा है जो कि रियल है जेन्युन हम कहते हैं ना कि जेन्युन रिप्लाई जेन्युन टर्म्स जेन्युन है जेन्युन कंपनी है बाकी के जो आपके वर्ड्स हैं वो कैसे हैं बोगस आपका जाली होता है कोई बोगस सेंटेंस होता है हम कहते हैं ना कितना बोगस है तो बोगस जाली के लिए बोलते हैं फॉल्स है गलत है आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल जो कि आपका कृत्रिम होता है कृत्रिम क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कोई फल है है ना या कोई मिठाई वगैरह रखी होती है शॉप्स पे सिर्फ दिखाने के लिए तो वो आर्टिफिशियल होती है ओके मिजरेबल एंट्रिम जब वो बताना है ट्रेजिक ट्रेजिक चेयरफुल नर्वस सेड हाँ जी बच्ची एंटोनिम जो है वो क्या हो जाएगा यस एवरी वन टेल मी वॉट विल बी द गिवेन वर्ड बताइए सो मिजरेबल मिजरेबल होता है जिसकी condition है जिसकी दयनीय कंडीशन होती जो कि बहुत ही दुखी होता है आप जैसे कि मिजरेबल कंडीशन हो जाती है अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नहीं आता है अगर रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नहीं तो मिजरेबल कंडीशन हो गई ठीक है तो हमारा इसका एंटोनम पूछा गया है तो एंटोनम क्या हो गया है चेयरफुल हो गया है ओके नर्वस होता है बेचैन के लिए बोलते हैं सैड आपका दुखी होता है ट्रेजिक आपकी कोई घटना दुर्घटना होती है ट्रे, ट्रेजिक हो गया है सो so, हमारा ये तीन वर्ड्स जो है वो सेम वर्ड्स से हैं सो so, मिज़रेबल का आपका मिज़रेबल मिज़री uh, आपके क्या हो गया दुख मिजरेबल दुखी चेयरफुल इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू गो बनाना टू बिकम वेरी नर्वस टू फील वेरी हाँगरी टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री हाँ जी बच्चे आंसर क्या हो जाएगा यस एवरी वन टेल मी सो नर्वस एक्साइटेड एंग्री की पीटिंग bananas तो so, ध्यान से देखिए हमारा टू गो बनानाज गो बनानास का मतलब क्या होता है गो बनानास का मतलब होता है आ, एकदम कैसा हो जाना बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाने को बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाना ठीक है थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री अब यहां पे देख लेते हैं कि हमारे जो फ्रूट हैं उनसे हमारा जो है जो भी कोई पर्टिकुलरली हमारा क्या कहते हैं ईडियम uh, है वो कौन सा है एज रेड एज चेरी बहुत ही जो सुर्ख लाल होता है ना उसको क्या बोला जाता है रेड को एज रेड एज चेरी वेरी रेड गो बनाना एकदम पागल वागल हो जाना एप्पल ऑफ सम वन यानी कि आंखों का तारा होना सेकेंड बनाना यानी कि कोई भी एक जो लोएस्ट पोजीशन लोएस्ट नहीं कहेंगे जिसमें कम आपको क्या मिलती है कोई कम पोजीशन हासिल होती है कम वैल्यू हासिल होती है उसको बोला जाता है चेरी एट द केक यानी कि देखो केक मिल रहा है अच्छी बात है चेरी भी मिल रही है जब चेरी आ जाती है तो कैसा लगता है अरे वाह कुछ और अच्छा हमने खा लिया हमने चेरी वाला पोर्शन खाया है है ना तो चेरी ऑन द केक होता है द फाइनल थिंग दैट मेक्स समथिंग परफेक्ट जो कि चीज़ें अच्छी हैं बढ़िया है, लेकिन उससे और अच्छी हो रही हैं बाइट एट द चेरी बाइट खाते हो तो यानी कि अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग प्लम जॉब आपका देखो प्लम जॉब होता है ध्यान रखिएगा प्लम प्लम केक भी आपका आता है है ना तो वो हमारा क्या होता है प्लम जॉब जो होता है जो कि चीज़ें इजी होती हैं उसके लिए बोला जाता है पियर शेप्ड आपका क्या होता है जब चीज़ें कैसी पियर शेप्ड ऐसे करके होता है ना पियर शेप जो कि बेडॉल सा होता है तो जब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं गो पियर शेप्ड होता है Cool cucumber, आपका क्या होता है कूलेस cool कुकुम्बर हमारा होता है काम इवन इन डिफिकल्टीज और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन ठीक है चलिए मीनिंग हमें यहां पे बताना है कॉम थ्रू केयरफुली लुक थ्रू टू बी ट्रैप्ड समवेयर टू हाइड इन्फॉर्मेशन टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम बताइए क्या हो जाएगा हाँ जी बच्चे बताइए वॉट विल बी द करेक्ट आंसर टू कॉम थ्रू सो कॉम थ्रू कॉम करना जब आप कॉम करते हो ठीक है अब कॉम किया है कॉम करना तो बारीकी से चीज़ों को देखना ठीक है कॉम थ्रू टू केयरफुली लुक थ्रू यहाँ पे देख रहे हो अच्छा बिल्कुल क्योंकि एक एक, -एक चीज़ यहाँ पे आपके अलग से निकल के आएगी ना ठीक है अगर कॉम थ्रू करा है चीज़ों को सुलझाया बालों को सुलझाया है ठीक है कॉम थ्रू करा है तो क्या करा है टू केयरफुली लुक थ्रू चीज़ों को जो भी चीज़ें हैं आपके है ना उसको बारीकी से बारीकी से जांचने को बोलते हैं बारीकी से जांचना ठीक है टू केयरफुली लुक थ्रू इज कॉम थ्रू रिलाई करना रिलाई करना सिनेम आपका डिपेंड प्रोटेक्ट इग्नोर डाउट बताइए क्या हो जाएगा हाँ जी बच्चे वट विल बी दी करेक्ट आंसर अब रिलाई ऑन यानी कि किसी पे क्या करना किसी पर निर्भर होना रिलाई करना कि आई एम आई रिलाई ऑन यू आई एम डिपेंडेंट ऑन यू किसी पे निर्भर होना प्रोटेक्ट करना बचाना इग्नोर करना उस चीज़ को नजरअंदाज कर देना डाउट यानी कि संदेह तो फर्स्ट वन इज़ दी करेक्ट आंसर ओके भरोसा करना रिलाई आपका हो गया है कंपल्शन टू स्टील वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो है वन वर्ड सब्सिट्यूशन है मेगालोमेनिया पायरोमेनिया क्लप्टोमेनिया निम्फोमेनिया बताइए आपका क्या हो जाएगा ये देखो हमारे लिए पुराना क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो कि हर बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सो दिस इज़ कंपल्शन टू ईट स्टील मेगालोमेनिया पायरोमेनिया क्लप्टोमेनिया निम्फोमेनिया बताइए क्या हो जाएगा यस एवरी वन हाँ जी सो so, यहाँ हमारा आंसर जो है दिस इज़ देखो मेगा माने क्या होता है हम लोग बोलते हैं मेगा फेस्ट है या फिर मेगा तो मेगा होता है मेगा बोला जाता है बड़ी बड़ी चीजों को मेगा माने बड़ा ठीक है सो मेगा लोमेनिया यानी कि बड़ी बड़ी चीजों की जो सनक होती है दैट इज पावर की सनक सत्ता की जो सनक होती है मेगा लोमेनिया कहलाती है पायरो हमारा आग के लिए बोलते हैं ठीक है थीके? ध्यान से देखिए पायरो हमारा आग के लिए बोलते हैं तो यहाँ पर किसी किसी लोगों को आग की जो सनक होती है आग लगाने की सनक ठीक है इधर आग लगा दी उधर आग लगा दी अब वो बातों में आग नहीं है सो क्लेप्टोमेनिया इज दी करेक्ट आंसर चोरी की जो सनक होती है कि इधर से कुछ उठा के रख लिया है ना बचपन में छोटी छोटी चीज़ों की मतलब एक होता ही था कि पता नहीं होता था चोरी क्या होती है तो फिर इसकी चीज़ उठा ली उसकी चीज़ उठा ली फिर घर पे मार आके खाते थे तो हमारा क्लप्टोमेनिया क्या होता है क्लप्टोमेनिया हमारा होता है दिस चोरी करने की जो सनक होती है उसको बोलते हैं मेगालोमेनिया आपका इसीलिए हमारा जो सत्ता की सनक होती है अति महत्वाकांक्षी बोली जाती है पायरोमेनिया ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स क्लप्टोमेनिया इनएबिलिटी टू रेसिस्ट अर्ज स्टील आइटम्स निम्फोमेनिया अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्शुअल डिजायर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हैज आर्ड सर्टेन सिक्योर बल्कि रिस्की बताइए सरडेम क्या हो जाएगा यस एवरी वन हाँ जी बच्चे अप्रोप्रिएट साइन ऑफ द गिवेन वर्ड हैज आर्ड सर्टेन सिक्योर बल्कि रिस्की तो हैज ऐसा यानी कि कैसा है बहुत ही खतरनाक है हेजार्डस जैसे कि एस टू एस ओ फोर हमारा जो तेजाब होता है ऐसा नहीं है कि मतलब उसका यूज़ नहीं होता है लेकिन अगर आपने छू दिया तो वो कैसा है हेज़ार्डस है? है ना सिरनेम पूछा तो रिस्की है ओके सर्टेन है कोई चीज़ निश्चित या सिक्योर है यानी कि सुरक्षित है बल्कि है यानी कि आपका बल्क में है बड़ा है रिमोट अनलाइकली सीक्रेट अन नोन क्लोज एंटोनिम जो है वो पूछा गया तो रिमोट रिमोट मान लीजिए कोई विलेज है या फिर रिमोट कोई चीज़ है तो फिर हमारा वो कैसे है हमसे पास में नहीं है किस में है दूर में है रिमोट आपका दूर के लिए बोला जाता है ठीक है क्लोज आपका क्या हो गया है क्लोज हमारा हो गया है पास में ठीक है सो हमारा क्लोज इज़ दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट लाउड माउथ वन हु टॉक्स वेल वन हु टॉक्स बूस्टफुली वन हु स्पीक्स कामली वन हु स्पीक्स नर्वसली लाउड माने क्या होता है लाउड माने होता है जोर और माउथ माने क्या होता है माउथ माने होता है मुंह ठीक है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा Yes, everyone. सो लाउड माउथ हो जाएगा कि जो बहुत ज़्यादा क्या करता है आ, होता है कि अच्छा मैंने मैंने जो था ना पचास हज़ार की शॉपिंग करी मेरे फादर ये मेरी मम्मी ये जो कि बूस्टफुली बातें करता है जो कि फेंकता बहुत ज़्यादा है बड़ी बड़ी बातें करने वाला ठीक है उसे लाउड माउथ बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेंकने वाली बातें करता है वन हु टॉक्स बूस्टफुली निग्लेक्ट कर देना बताइए क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे इफ़ यू निगलेक्ट समथिंग यानी कि आप किसी चीज़ों को छोड़ देते हो आप जैसे कि भाई रोजमर्रा में बहुत सारे हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारी हमारी लाइफ का पार्ट होता है जो कि क्या होता है जो कि हमारा निगलेक्ट हो जाता है ओके okay, सो so हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ध्यान से देखिए आंसर विल बी निग्लेक्ट करना एंटोरेम केयर करना केयर करना परवाह करना ओके okay? अप्रोच अप्रोच हमारा अप्रोच क्या बोलेंगे जैसे कि भाई तुम्हारा तरीका क्या है अप्रोच होता है ना कि तुम्हारा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका आ, तरीका क्या है आपका दृष्टिकोण जो है वो क्या है वट इज़ योर वे दृष्टिकोण बोल सकते हैं तरीका बोल सकते हैं है ना या फिर अप्रोच है एक होता है ना कि अच्छा मेरी तो प्रधानमंत्री तक पहुंच है अप्रोच है एंटोनिम क्या है तो रीच मिलना मीट मिलना नियर पास में अवॉइड यानी कि दूर अप्रोच का जो हमारा एंटोनिम यहां पे फिर बनेगा वो क्या बनेगा अप्रोच का एंटोनिम हमारा अवॉइड बनेगा ठीक है सो अप्रोच दृष्टिकोण अवॉइड टालना चेंज फॉर द बेटर एक्सचेंज एन ओल्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू प्रिटर्न टू बी एल्स टू कीप लूज चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन द सिचुएशन बताइए एक्सचेंज एन ओल्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू प्रिटर्न टू बी सम्स टू कीप लूज चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन दिचुएशन हाँ जी यस एवरी वन सो इफ यू चेंज फॉर द बेटर अगर आप भाई अच्छे चीज के लिए बदलते हो है ना तो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट चेंज एंड चेंज फॉर द बेटर भाई अच्छे चीज़ के लिए बदल रहे हो योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चांस इट गेट्स बेटर बाई चेंज तो जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो तभी तो बदलते हो ना तो एक्सचेंज एंड ओल्ड प्रोडक्ट फॉर न्यू प्रिटेंड टू बी समन एल्स कुछ अच्छा करने की कोशिश करना अपने आप में इम्प्रूव लेके आना बेहतर का प्रयास करना चेंज फॉर द बेटर ओके कंपल्शन टू स्टील ये मैंने अभी कराया था कंपल्शन टू स्टील अप्रोच अच्छा ओके टू फॉल अ पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिके कोई चीज़ जो कि आपके धीरे धीरे करके क्या होती है कोई चीज़ जो कि धीरे धीरे करके खराब होती है उसको क्या बोलते हैं बताइए हाँ जी दी बच्चे धीरे धीरे करके अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसे क्या बोला जाता है तो ध्यान से देखिए डिस इंटीग्रेट इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना और डिस इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है डिस लगा दिया यानी कि ना तो ना जोड़ना यानी कि क्या करना अलग अलग करना अलग 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 करना डिसलोकेट करना यानी कि चीजों को उनकी जगह से हटाना लोकेट होता है भाई लोकेशन स्थित मैं कहूं तुम्हारी लोकेशन क्या है तुम कहां स्थित हो डिसलोकेट कर दिया यानी कि हटा दिया है कॉन्टिन्यू होता है जारी रखना डिसकॉन्टिन्यू होता है बंद करना अब कोई भी चीज जो कि आपके कॉन्टिन्यू मान लीजिए मैंने ये क्लास जो अभी बंद मैं करूँगी तो वो डिसकॉन्टिन्यू हो गई डिसहेबल्ड आपका जो होता है वो होता है फैला हुआ होता है डिसबल्ड आपका फैला फैला हुआ को बोलते हैं तो टू फॉल अ पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिके हमारा डिस इंटीग्रेट हो गया है डिसलोकेट हटाना डिसकॉन्टिन्यू बंद एंड डिसहेवल्ड जैसे कि चीजें जो है आपके कमरे में फैली हुई हैं डिसहेवल्ड है नॉट डिसहेवल्ड हमारा क्या हो सकता है नॉट ऑर्गेनाइज ठीक है चलिए तो बच्चे यहां पे आपका जो है इग्नू का बैच ऑलरेडी आ चुका है इलेवेंथ ऑफ अप्रैल से हमारा इग्नू का बैच स्टार्ट हो रहा है ओके okay? सो so, आपको अगर इस बैच में एडमिशन लेना हो तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आपके जैक ये जो वैकेंसी है सो यू कैन टेक एडमिशन इन दिस बैच यू नीड टू यूज़ अ कोड वाई डबल फाइव नाइन ओके एवरी वन एंड जे एन यू आपका नॉन टीचिंग पोस्ट आपको ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है यू नीड टू यूज़ द कोड वाई डबल फाइव नाइन टू गेट द डिस्काउंट एंड एस एस सी का महापैक ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए एस एस सी के महापैक की क्या स्पेशलिटी है जितनी लाइव क्लासेज हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी ठीक है जितने भी आपके जो रिकॉर्डेड uh, सेशंस हैं वो सारे के सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे ओके देन यहाँ पर आपको जितनी आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेगी जितनी आपकी ई e बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी मतलब कुछ भी आपको बाकी नहीं रह जाएगा इसमें ये आपका बेस्ट पैक है क्यों क्योंकि बुक्स इसमें क्या है वो घर पर आ जाएंगी बुक्स आपकी इसमें घर पर आ जाएंगी तो अगर आप सी की तैयारी कर रहे हो सी की तैयारी कर रहे हो सी की तैयारी कर रहे हो एम की तैयारी कर रहे हो या फिर इसके अलावा एस का अगर कोई भी एग्जाम आपका आता है तो आपके लिए ये जो हमारा बैच है ये वैलिड रहेगा ओके फॉर ऑल क्लासेस ओके जैसे कि एक होता है कि आपने सिर्फ किसका बैच ले लिया जे का बैच ले लिया ठीक है आपने सिर्फ इग्नू का बैच ले लिया लेकिन आप अगर आपको है कि नहीं मैं एक सब्सक्रिप्शन ऐसा ले लेता हूँ कि जिसमें मेरे को सारे बैचेस मिल जाए सो दिस इज द बैच ये आपका बेस्ट बैच है अंडर ट्वेंटी फोर सेवन का एस का ओके okay? सो so, कोड लगाना है वाई डबल फाइव नाइन जिससे कि आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है मोर देन आपका सेवेंटी सेवन परसेंट डिस्काउंट जाएगा इस पर आपके पास में अगर कॉइंस है तो आप वो क्वाइंस भी यूज़ कर सकते हो कॉइंस आपको ऐप आप डाउनलोड करने पे मिलेंगे ऐप आप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ओके okay, बच्चे तो चलिए आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन अ वेरी स्मॉल सेशन टूडे एंड थैंक यू वेरी मच